यूपी एडा के अनुसार गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का 80% का वर्क कंप्लीट हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से लखनऊ की दूरी जहां 5 से 6 घंटे का समय लगता था, वह दूरी घट करके 3.5 घंटे में तय की जा सकती है। हालांकि यदि आप इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं तो दूरी जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन जो ट्रैफिक के कारण जाम लगती थी उससे निजात मिलेगी और राहत मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। तो उस हिसाब से जो समय लगता है वो समय आपका बहुत ही बच जाएगा। गोरखपुर से बस्ती अयोध्या होते हुए लखनऊ की दूरी जहां 280 किलोमीटर की है, जबकि लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से 311 किलोमीटर की दूरी आपको तय करके आना पड़ेगा। और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर सफ़र का इंतज़ार खत्म होने वाला है दिसंबर में। अनौपचारिक रूप से वाहनों का संचालन शुरू हो जाएगा और हालांकि जनवरी 2024 में सुरक्षा जांच करने के बाद औपचारिक रूप से शुभारंभ किया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे का आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। गोरखपुर के जैतपुर से शुरू होकर आजमगढ़ के सलरपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलने वाले इस लिंक एक्सप्रेसवे पर गोरखपुर की सीमा में कुल 5 टोल प्लाजा पड़ेंगे। इसमें से 1 टोल प्लाजा सीधा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से कनेक्ट है, लेकिन आप इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 टोल प्लाजा पर ही भुगतान करना है, ऐसी अभी जानकारी है। लिंक एक्सप्रेसवे से गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच भी आवाजाही आसान हो जाएगी, साथ ही साथ गोरखपुर से आगरा दिल्ली की राह भी आसान हो जाएगी। इसके बन जाने से व्यापारियों को बहुत फायदा होगा। घाघरा नदी पर करीब 1.5 किलोमीटर का जो ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, पुल पर रेलिंग आदि और छोटे छोटे निर्माण कार्य बाकी हैं जो तेज़ी से चल रहा है। एक्सप्रेसवे पर कुल प्रस्तावित जो 342 स्ट्रक्चर हैं करीब, उसमें से 335 पर निर्माण कार्य पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। यह लिंक एक्सप्रेसवे 91.35 किलोमीटर लंबा है। लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर के सदर तहसील के जैतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ जिले के सलरपुर गांव से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कनेक्ट है। यह लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर संत कबीर नगर अंबेडकर नगर आजमगढ़ से होता हुआ गुजरेगा। इसे वाराणसी के साथ एक अलग लिंक रोड के माध्यम से भी कनेक्ट किया जाएगा। यह था अपडेट। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से संबंधित 80% का कार्य पूरा हो चुका है और दिसंबर में अनौपचारिक रूप से इस पर आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन जनवरी 2024 में औपचारिक रूप से इसकी जांच होगी, टेस्टिंग होगी, उसके बाद में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।